एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश आह्वान के बाद दमोह में नीट परीक्षा के मामले को लेकर के बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रतनचंद जैन की मौजूदगी में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में देर तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस के लोग हाथों में तख्तियां लेकर के नीट परीक्षा में हुए मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। से वंचित रह गए हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की है, उनके हकों को पूरा वापस करें। मैंने आज ही कांग्रेस ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की सरकार है। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, इतने सारे हैं चीजें गिनाने के लिए, जैसे शायद आम जनता को ये पता भी नहीं है कि इंडिया का हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पे 18% कांग्रेस की सरकार लाएगी। सूचना का अधिकार जो आप इतने हक से मांग सकते हैं, हर चीज सूचना को आपको कांग्रेस ने दिया है। और ये इतनी सारी सारी चीजें हैं कि कांग्रेस सिर्फ शांति से अपना काम करती है और जो बीजेपी है वो सिर्फ दिखावा। अगर उसने इतना से भी काम किया तो इतना बड़ा चढ़ा के बोलती है कि जो इतने जो बुरे घोटाले हैं वो सब दब जाए। तो हमें क्या करना है, जितने भी घोटाले हैं बीजेपी के उसको उजागर शायद जनता को बताना है। आज के धरना प्रदर्शन में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय रतनचंद जैन जी, सेवा रत अध्यक्ष, किसान कांग्रेस अध्यक्ष, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, आप मुझे बताना चाहते हैं कि आज ये धरना प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हो रहा है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो तो आज पकड़ा गया है, क्योंकि उससे पहले कितनी बार ऐसी परीक्षाएं होती होंगी, पेपर लीक होते होंगे, हम पता नहीं। ये जो स्लोगन है, हम जानते हैं, हम कांग्रेस के लोग इस आवाज को उठाएंगे पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। मणिपुर की हिंसा वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। साथियों, आज आप सोच रहे होंगे ये कांग्रेस में है और हमारी संख्या 233 की हो गई है, अब ये घोटाले नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब मैं नोट करूंगा हमारे मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज कम से कम इस दमोह की जनता के माध्यम से लोगों तक पहुंचे कि जो तानाशाही है, हालांकि जनता ने उनको जवाब दे दिया, 400 पार का नारा देने वाले 290 पे सिमट के रह गए, बड़ी बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे 240। बिल्कुल सही, मैं चाह रहा था कि हम जनता के बीच से भी आवाज आए कि 240 पे पहुंच गए और अगली बार 400 पार का नारा देने वाले बाहर सरकार से हो जाएंगे। मैं नारा लगाऊंगा मेरे साथ, आप सही सहयोग कि हम धरना दे रहे हैं। जब एक किसान अपने बच्चे को पढ़ाता है और कितनी मेहनत से उसको तैयार करता है, बच्चे को लागत लगा के नीट परीक्षा का जो घोटाला है, इसके पहले ये व्यापम घोटाला हुआ था, उसके बाद नीट परीक्षा का घोटाला हुआ और नर्सिंग घोटाला भी हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार है, जहां देखो तहां घोटाला। भाई चिश्ती जी बैठिए, आप घोटाला ही घोटाला है, घोटालों की सरकार है। आज देश के केंद्र के मंत्री ने, प्रधान जी ने स्वीकार किया कि नीट का घोटाला है, हम स्वीकार करते हैं। और
आप सोचिए इस देश का क्या होगा जब वो सावित्री ठाकुर जो शिक्षा राज्य मंत्री है केंद्र में उनसे ये लिखते नहीं बनता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और जो देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय में इंदौर में पेपर लीक हुआ इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के महानिर्देशक प्रदीप जोशी जी को दोषी मानता हूं और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये अभी अध्यक्ष है नेशनल ट्रिब्यूनल एजेंसी के माने नेशनल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के एजेंट है अध्यक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया तब जाके ये सरकार जागी और जांच की। आप देख के 720 में से 720 ही नंबर दे दिए गए कॉलेजों में। और जब हमारे छात्रों ने जिनके भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है सडनली सुप्रीम कोर्ट की तब जाके सरकार जागी। और मैं फिर कहता हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जिनको भारतीय जनता पार्टी पप्पू कहती थी वो आज जननायक बन गए। उनने 3700 किलोमीटर की यात्रा की और 37 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा करके उनने देश में साबित कर दिया। उसके बाद 4000 किलोमीटर की न्याय यात्रा की कि वो देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार जो नीट परीक्षा में घोटाला हुआ है एवं नर्सिंग घोटाला हुआ है UGC और उसके पहले व्यापम घोटाला हुआ है उसी के संबंध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया और हम सब कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित हुए। क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं कि नीट में परीक्षा में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी परंतु जहाँ चिन्हित जगह थी हरियाणा गुजरात और गोधरा एवं बिहार इसमें छात्रों को पूरे के पूरे नंबर दे दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें हस्तक्षेप किया तो हम लोगों ने आज मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट परीक्षा की जांच हो नर्सिंग परीक्षा की जांच हो। इस बात को लेकर हम लोगों ने धरना दिया। आज आप देख सकते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस आह्वान पर समस्त जिला और प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जो नीट की जो परीक्षा है और जो UGC नेट की जो परीक्षा है जो अभी एक दिन पहले ही उसका पेपर हुआ था लेकिन उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। इसके पहले जैसे कि आप देख सकते हैं नीट की परीक्षा में इतनी बड़ी धंधाली सामने आई है। लाखों छात्र जो इस परीक्षा में बैठते हैं 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे जिसमें आप परिणाम देख सकते हैं कि 720 का जो टोटल पेपर होता है उसमें कई बच्चों को 718 मार्क्स मिले हैं जबकि 4 नंबर का एक प्रश्न होता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक प्रश्न का एक माइनस मार्किंग ना होता है। मतलब टोटल आपका कोई भी अगर आप प्रश्न गलत करते हो तो 5 अंक आपके माइनस होंगे। तो राउंड फिगर में ये 715 आना चाहिए जो कि कई बच्चों को 718 आ रहे हैं। तो इसी से उजागर होता है कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं में धंधाली हो रही है। और शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे इस्तीफे की मांग करती है कांग्रेस क्योंकि कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं हैं जो नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA के द्वारा ये दोनों परीक्षाएं आयोजित की गई थी कहीं ना कहीं वो भी विषम हैगा और वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो ये परीक्षाएं करवा रही हैं क्योंकि लाखों छात्र जो कोटा जाते हैं कई विभिन्न जगह जाते हैं और कई ऐसे मध्यमवर्गीय परिवार हैं जो किसान हैं वो अपने खेतों को बेचकर उन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने इंजीनियर बने लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का जो भविष्य है वो अंधकार में है। और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है इस्तीफे की मांग करती है प्रधानमंत्री से भी और साथ साथ शिक्षा मंत्री से भी।